शुक्रवार को देर रात लगभग 10 बजे पंती क्षेत्र के रठिया के ऊपर जंगल में बादल फटने से भारी तबाही हुई, जिसमें रठिया मल्ला, जखवाल कोट और पंती क्षेत्र में लोगों की फसलों के खेत बड़ी संख्या में बहकर खराब हो गए। यही नहीं, बादल फटने से रठिया, पाली, बिलमाल गांव आदि गांवों की पेयजल लाइन भी बहने से पानी की आपूर्ति भी ध्वस्त हो गई। इस क्षेत्र में गांव को जोड़ने वाले दो पुलिया भी बादल फटने की भेंट चढ़ गए। जानकारी के मुताबिक कुंवर टेंट हाउस का गोदाम के बाहर रखा 7 KG का जनरेटर भी बह गया है। यहीं पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन का उप वितरण खंड के परिसर में भी मलबा पत्थर घुसने से वितरण खंड का स्विचयार्ड, सुरक्षा रेलिंग और बाहर रखे कई ट्रांसफॉर्मर, मीटरों की पटरी मलबे में दबकर तबाह हो गई। घटना की खबर सुनते ही नारायण बगड़ आदि क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहा। इस बीच प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। 10 बजे के करीब ये बादल फटने के जो खबर आई थी, तो यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से पानी का और उसके साथ पत्थर बोल्डर आने की वजह से जो आवासीय भवनों को नुकसान हुआ है, उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है और शासन प्रशासन अभी तक भी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। शासन प्रशासन से ये उम्मीद नहीं की जाती। जब पिछली बार यहाँ पर ये आपदा आई थी तो उसके बाद देखने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं करी गई और जो यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे थे वो अन्यत्र जगह पर चल रहे थे। जहाँ पर निर्माण कार्य सुरक्षा के देखते हुए होने थे वहाँ पर कहीं भी ना ये बिटकुल विभाग की जो सड़क है इसके भी पूरी खामियां होने के कारण जो ये आपदा आई है, जो आवासीय भवनों को गया है, ये भी कारण हो सकता है। और शासन प्रशासन की तरफ से जो एरिगेशन के काम पंती के समीप, स्कूल के समीप या गांव के समीप जो आवासीय बस्तियों के समीप होने थे उसको यहाँ पर न कराकर सुरक्षा को जहाँ सेफ जगह है, जहाँ पानी भी नहीं जाता है, वहाँ पर कराया गया है।